हम दिनों दिन विकास के जितने भी दम भरे, लेकिन विकास की इस रेस में मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। कुछ वक्त पहले ओडिशा के दीना मांझी की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसने सिस्टम से लेकर विकास के दावों पर सवाल उठाए थे। ठीक वैसे ही इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। घटना ओडिशा के अंगुल जिले की है। अंगुल में सरकारी अस्पताल में जब एक बेटी की मौत के बाद प्रशासन ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, तो मजबूर पिता कंधे पर बेटी के शव को लेकर निकल पड़ा और 15 किलोमीटर के सफर के बाद वह घर पहुंचा। बाद में जब यह मामला मीडिया में आया तो जिला प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल पालाहाड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इलाज के दौरान गति ठीबर की बेटी की मौत हो गई। शोक में डूबे पिता ने गरीबी का हवाला देते हुए अस्पताल कर्मचारियों से शव को घर पहुंचाने में मदद मांगी। आरोप है कि उस अस्पताल ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूर पिता को इस तरह से शव को ले जाना पड़ा। इस मामले में शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। डिप्टी कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा गार्ड और अस्पताल के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे दीना मांझी की घटना के सामने आने के बाद सरकार ने शव को घर ले जाने के लिए प्राणायाम योजना चलाई, लेकिन लगता नहीं है कि दीना मांझी जैसी घटनाओं से सरकारी अस्पताल कोई सबक लेने की जरूरत समझते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।